Morning everyone. So today is day 2 in this beautiful jungle resort. So welcome to Kurl, the Scotland of India. Resort located in Arawat Volkur Road, which is surrounded by completely nature. So हम लोग अभी निकल गए यहाँ से. हम लोग कवर करने वाले हैं रिवर राफ्टिंग, सिटिंग बोटिंग, दोबारे एलिफेंट कैम्प एंड बैक टू लॉन्ग ड्राइव. और आई विल टेल यू मेनी मोर प्लेसेस टू विजिट. इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अफोर्डेबल होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी मोर. गेट स्टार्टेड द जर्नी. तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पहुँचे कैसे. ये रोड है बैंगलोर से कुर्ग 250 किलोमीटर्स, विच टेक्स 5 to 6 आवर्स. अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मैसूर, जो वहाँ से 122 किलोमीटर के डिस्टेंस में है. नेक्स्ट एयरलाइंस है मैंगलोर. भाई पता नहीं है इसमें पैर उठा के मैं ऐसे हूँ. ओ भाई मुझे मैं तो ठंडा पानी है वे, ठंडा पानी एकदम रेरू, ठंडा पानी है. स्टे की तो यहाँ पे ना बहुत सारे होम स्टे आपको मिल जाएंगे, जो कि स्टार्ट होता है 1000 से. फिर टॉक अबाउट दिस रिजॉर्ट, हमें लग गए थे 5 to 6000 इन बिटवीन पर डे. हम लोग कॉफी गार्डन की तरफ जा रहे हैं. अच्छा ये खड्डे जानवर के हैं जो थिंक ये जो जमीन में दिख रहे हैं, आपको खड्डे दिख रहे हैं? हाँ हाँ, ये डेफिनेटली किसी इंसान के नहीं किए हुए, किसी जानवर ने किए. कॉफी प्लांट्स हैं यहाँ पे ना, एक्चुअली फ्रूट्स भी आ रहे हैं. एंड ना ये इतना बड़ा जंगल में इन लोगों ने कॉफ़ी प्लांटेशन कर रखा है, और इसके अंदर ना कॉफ़ी बीन्स भी आ रहे हैं. आई विल शो यू. हम देखो इसके अंदर ना कॉफ़ी प्लांट्स भी आ रहे हैं ये, और इसमें ना सांप वाँप भी होते हैं. मैंने देखा था कहीं पर यूट्यूब में. We are here in Hanging Trees. This is really really beautiful. This is across the river. जो गांव वाले रहते हैं पीछे साइड में, तो वो भाई इसके ऊपर स्कूटी और बाइकें भी चलती हैं. और ट्रस्ट में इतना फ्रेश नारियल पानी मैंने कभी नहीं पिया, बहुत ही टेस्टी था. यहाँ पीछे की तरफ ना ये पेड़ थे, और यहाँ से काट काट के ला रहे थे और ये सेल कर रहे थे. इट वॉज रियली यम. अभी आपने हैंगिंग ब्रिज जो देखा, वहाँ से चल के सीधा सीधा क्रॉस करना है, और ये ब्यूटीफुल लोकेशन मिलता है. It is Chikli Holi Dam, which is located by completely jungle, and oh my god, fresh air. Heard that this area is rich in biodiversity and attracting various birds and species and wildlife, which is famous for this lake is. ठंडी हवा चल रही है ना, और धूप है. धूप होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि it's 20 degree Celsius or below 20 degree Celsius. Really, and it's weather is so pleasant. खींचने में वो कैसी लगी? वो नहीं दिखी मेरे को. दिखी नहीं रेनू? गलत बात है. अच्छा, अभी जो जा रही है वो अच्छी है. वो गई स्कूटी में, पहले ही देख लिया आपने? देख लिया मतलब किसी ने देख लिया? और यहाँ से ये व्यू देख रहे हैं यार, कितना प्यारा लग रहा है लिटरली. वो जाते हैं दोबारा एलिफेंट कैम्प, जो कि आप प्राइस देख सकते हो. और यहाँ पे आप आओ ना फटाफट से, रो पे लग जाना उधर लाइन पे, बिकॉज बहुत लंबी लाइन होती है. और फिर यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो. बहुत सारे एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं जब आप इस रिवर को आप क्रॉस करके जाते हो. तो
भैया एक दुकान दिखेगा वैसा जहाँ पे वुड वाला मिले सामान, ठीक है? इसमें नहीं था। किसी को कुछ सामान खरीदवाना अपने बच्चों के लिए। हम लोग आए हैं अभी हरांगी ट्री पार्क, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एलिफेंट्स एंड ऑल, एंड आई गेस बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। किसको क्या करना है बोटिंग? किसी को एलिफेंट? मुझे करना है बोटिंग। बोटिंग 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 एलिफेंट वॉच। मैं देख भी नहीं पा रही यार इतनी धूप में। बोटिंग करना है, बोटिंग करने के लिए बोटिंग हमारा भी हो ही चुका है वैसे। कह रहे थे अंकल ने यार काला है, यूपीआई नहीं ले रहे हैं या नहीं चलता। अच्छा तो चार लोगों को हमारी टिकट प्राइस है 200 रुपीज़, एंड हमें हेल्प कर रहे हैं वो थारी वाले चाय वाले भैया जिनको हम लोग यूपीआई करने वाले हैं, एंड ही इज गोना गिव अस 200 रुपीज़ कैश। परेशान करो दे माता दी।
सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकलने वाले हैं बैंगलोर के लिए. सो हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 5 घंटे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे रात 11 बजे तक ऑलमोस्ट, बिकॉज अभी शाम के बज रहे हैं 5. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई हैव एडेड मोर प्लेसेस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेरी, फील फ्री टू ड्रॉप ए कमेंट. एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव, लेट मी नो योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स. एंड टेक केयर और बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम. सो सी या सून. ओह आई मिस समथिंग. हैप्पी दिवाली एवरीवन इन एडवांस.